आगामी 1 सितंबर से इंदौर से दुबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू होगी। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर एयरपोर्ट पहुंचकर तैयारी का जायजा लिया। इस अवसर पर एक संक्षिप्त कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें मंत्रीगण वर्चुअली शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने बालाघाट प्रवास के दौरान पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर जन्मभूमि के लिए अपने प्राणियों का बलिदान देने वाले शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50,000 हितग्राहियों को 50 करोड़ की ब्याज मुक्त ऋण की राशि वितरित की। पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राही सागर के राकेश वाजपेयी ने बताया कि वे पिछले 20 वर्ष से फल बेचने का कार्य कर रहे हैं। योजना के 10,000 चुकाने पर 20,000 की राशि प्राप्त हुई। इनके माता पिता को पेंशन, आयुष्मान कार्ड एवं फ्री अनाज भी मिल रहा है। प्रदेश के मुखिया श्री चौहान ने बालाघाट में पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर नक्सली समस्या सहित बालाघाट के सर्वांगीण विकास को लेकर व्यापक चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीर जवानों को पदोन्नति प्रदान की। श्री चौहान ने अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए उन सैनिकों को भी नमन किया जिन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आकाशीय बिजली गिरने से गाय चराने गए युवक की मौत, एक वृद्ध महिला भी इसकी चपेट में आने से झुलसी। मनेरी चौक के अंतर्गत ग्राम चिखली का मामला, ग्राम चिखली की घटना, महिला को उपचार हेतु जौलपुर पहुंचाया गया। नगर पालिका टाउन हॉल में हुआ पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत हितग्राही संवाद कार्यक्रम का आयोजन। नगर पालिका परिषद मंडला क्षेत्र के 45 हितग्राहियों को दिए गए 10,000 रुपए। खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन हेतु आयोजित किया गया फुटबॉल मैच, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर किया गया आयोजन, नगर की 6 टीमों के बीच आयोजित किए गए मैच। चंदाग्नि ऋषि की तपोभूमि देवगांव संगम पर हुआ बृहद वृक्षारोपण, 351 पौधों का रोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जौलपुर की टीम एवं नर्मदा समग्र टीम के सहयोग से हुआ आयोजन।